आज हम चांद से थोड़ी सी गप्पे का दूसरा पहरा करेंगे। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोगी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। प्रसंग इस तरह से है, कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने 10-11 वर्ष की एक लड़की कि चांद से संबंधित कल्पनाओं को प्रस्तुत किया है। इसका सरलार्थ इस तरह से है, लड़की चांद को संबोधित करते हुए कहती है कि मुझे पता ही नहीं, पर थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। यद्यपि आपका यह रूप और आकार सुंदर है, पर हम आपको भली भांति जानते हैं। क्या आपने हमें नीरा मूर्ख समझ रखा है? क्या हम आपको समझते नहीं हैं? हमें पता है कि आपको एक बीमारी है। ये चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का तीसरा भाग है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इस भाग का प्रसंग इस तरह से है, इस कविता की रचना श्री शमशेर बहादुर सिंह जी ने की है, और वो 10-11 वर्ष की एक लड़की की अपनी कल्पना चांद के बारे में बताते हैं। वह मानती है कि चांद चाहे बहुत सुंदर है, पर उसे एक बीमारी है। इसका सरलार्थ इस तरह से है, लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि आप बीमारी के कारण ही जब घटने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और आपका आकार छोटे से छोटा होता जाता है, और फिर आकाश से गायब ही हो जाते हो। लेकिन जब आप बढ़ने लगते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। आपका बढ़ता आकार घटने का नाम ही नहीं लेता, जब तक आप बिल्कुल गोल मटोल नहीं हो जाते, और आप बढ़ते ही जाते हैं। पता नहीं घटने बढ़ने की यह बीमारी आपको कब से है। आपकी यह बीमारी ऐसी है कि ठीक होने में ही नहीं आती। आज हमने चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता पढ़ी। अगले भाग में हम अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। धन्यवाद।